हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप सीखोगे सीएसएस पोजीशन के बारे में। तो सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग जो एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन सेट करने के लिए। ये पांच वैल्यूज होती हैं इनकी, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। जब ये वैल्यूज हम सेट कर लेते हैं तो उसके बाद में टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग उसकी सेट करते हैं वैल्यूज कि किस जगह पे वो शिफ्ट होगा या फिर किस जगह उसकी पोजीशन होनी चाहिए। तो जो स्टैटिक होता है ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स की, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग रिलेटिव पे आते हैं। रिलेटिव होता है जो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन होती है उससे कुछ शिफ्ट करना। अब जैसे मान लीजिए मैंने कि यहाँ पे एक डिव लिया हुआ है जिसकी क्लास मैंने रिलेटिव ली है, तो मैं क्या करूँगा, डिव डॉट रिलेटिव, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन सेट कर देता हूँ और विड्थ इसकी सेट कर देता हूँ मैं 600px, हाइट में सेट कर देता हूँ 400px। ओके, तो इसको देखते हैं, इस तरीके से हमारा डिव आ जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर का जो कंटेंट है उसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, तो हमारा डिव आ जा रहा है। ये डिफॉल्ट पोजीशन है इस डिव की। अब जैसे ही मैं यहां पे पोजीशन सेट कर दूंगा रिलेटिव और मैं इसके लेफ्ट की वैल्यू दे देता हूं 150px एंड टॉप की वैल्यू दे देता हूं 150px। तो देखिए जब मैं पेज को रिलोड करूंगा तो ये क्या होगा, इसकी अपनी ये डिफॉल्ट पोजीशन से 150px राइट में शिफ्ट हो जाएगा और 150px ये टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये शिफ्ट हो गया यहाँ से और यहाँ से, ये हो जाता है रिलेटिव। उसके बाद में दूसरी पोजीशन जो आती है वो होती है ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट में क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ये पेरेंट डिव हो गया हमारा और उसके अंदर एक दूसरा डिव लिया मैंने जिसकी क्लास मैंने ऑब्सोल्यूट सेट की हुई है, तो उसके लिए क्या होता है, डिव डॉट ऑब्सोल्यूट, इसका मैं बैकग्राउंड कलर कुछ सेट कर देता हूँ रेड एंड इसकी विड्थ में सेट कर देता हूँ 400px एंड इसकी हाइट में सेट कर देता हूँ 150px, इवन विड्थ में इसकी थोड़ी सी और कम कर देता हूँ 200 कर देता हूँ। तो ये हमारा जो ये एलिमेंट है दिस इज ऑब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट। अब जब मैं इसकी पोजीशन ऑब्सोल्यूट सेट कर दूंगा तो क्या होगा, ये अपने पेरेंट डिव से रिलेटिवली, जैसे जिस तरह से रिलेटिव एलिमेंट वर्क करता है उस तरीके से ये वर्क करेगा, बट इसके लिए पेरेंट जो एलिमेंट होगा ये उसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली मूव करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन जो है सेट कर देता हूँ ऑब्सोल्यूट एंड मैं इसको लेफ्ट से मूव कराता हूँ 100px एंड बॉटम से मैं कर देता हूं 0। अब क्या होगा, ये लेफ्ट से 100px राइट में शिफ्ट हो जाएगा और बॉटम से 0 हो जाएगा, बॉटम पे सेट करके आ जाएगा और इधर थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको चाहो तो यहाँ राइट बॉटम में शिफ्ट करा सकते हो। तो उसके लिए क्या होगा, बॉटम 0 रहेगा और राइट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, तो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से आपको इस एज पे अगर लाना है तो बॉटम की जगह आप टॉप की वैल्यू 0 कर दो और राइट की तो 0 मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है इस तरीके से यहाँ पे। तो इस तरीके से वर्क करता है ऑब्सोल्यूट। उसके बाद में आ जाता है फिक्स्ड। फिक्स्ड किस तरह से काम करता है वो मैं बताता हूँ आपको। फिक्स्ड जो होता है ये रिलेटिवली होता है, रिलेटिवली मूव करता है अपने व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने एक डिव लिया और फिक्स्ड मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ येलो एंड बॉर्डर सेट कर देता हूँ इसका 1px सॉलिड ब्लैक एंड बॉक्स शेडो मैं कुछ इसका दे देता हूँ
जीरो पी एक्स, जीरो पी एक्स, टेन पी एक्स। तो ये मैं इसकी बॉक्स शेडो दे देता हूँ। तो फिलहाल ये देखिए हमारा एलिमेंट ये आ रहा है पीछे इसके। मैं क्या करता हूँ इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ, विड्थ मैं दे देता हूँ इसकी 150 px एंड हाइट दे देता हूँ 100 px एंड पोजीशन मैं इसकी दे देता हूँ, पोजीशन की वैल्यू मैं इसकी सेट कर दूंगा फिक्स्ड। और मैं टॉप से इसको 0 दे देता हूँ एंड टॉप से 0 एंड राइट से मैं इसको दे देता हूँ 0। ठीक है, तो ये जो हमारा div है वो यहाँ पे आ गया, मतलब इसका जो व्यू पोर्ट होता है उसके उसके रिलेटिवली होता है। इसके बाद में ये पोजीशन जो रहेगी हमेशा फिक्स रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। ब्राउजर रिसाइज भी होता है या फिर स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो ये तो भी ये वैल्यू फिक्स रहेगी। जैसे आप ये देखो नीचे एक स्क्रॉल बार आ गया यहाँ पे, तो मैं अगर इसको स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो ये पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहा, ये वहीं का वहीं है। तो इस तरीके से फिक्स्ड वर्क करता है। तो उसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्टिकी। स्टिकी प्रॉपर्टी नई ऐड हुई है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास में एक कुछ कंटेंट है मैंने लिख करके रखा हुआ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा। तो अभी फिलहाल देखिए किस तरीके कंटेंट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का आप देखो ये जो इस पोजीशन फिक्स्ड थी ये मूव नहीं कर रही है, वहीं की वहीं है। तो इसी तरीके से आप इसको पोजीशन दे सकते हो, राइट की 0, बॉटम की 0, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, राइट की 0, अगर आप इसको बॉटम की 0 कर दोगे तो ये बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा, ये यहीं पे बना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी फिक्स वर्क पे काम कर सकते हो। फिर आता है जो स्टिकी, उसके लिए बताता हूँ। तो मैंने ये कंटेंट लिखा हुआ है और बीच में एक एलिमेंट मैंने डिव का लिया हुआ है, उसकी वैल्यू दे रखी क्लास की मैंने स्टिकी। तो इसको हाईलाइट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ से। बैकग्राउंड कलर मैं इसका और कलर में इसका टेक्स्ट कलर जो होता है मैं वाइट कर दूंगा। और इसको मैं फिर देखता हूँ ब्राउजर पे। तो जो ये वाला एलिमेंट आ रहा है ये वाला, ये हमारा हो जाएगा स्टिकी पोजीशन वाला। तो इसकी विड्थ मैं से कुछ सेट कर देता हूँ 200 px एंड इसकी हाइट मैं सेट कर देता हूँ 100 px। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। अभी देखो दोस्तों, अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको तो ये पोजीशन यहीं की यहीं है। बट अगर आप स्टिकी का स्टिकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मतलब पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आप स्टिकी लेते हो तो यूज़ कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअली क्या होता है, ये आपका टॉगल करता है ऑब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में। जब हमारा ये जो स्क्रॉलर होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको जब स्क्रॉल डाउन करने के बाद में इसकी पोजीशन मैं 0 यहाँ पे फिक्स करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप इसको पोजीशन की वैल्यू दे दो स्टिकी एंड टॉप दे दो आप इसको 0। अभी देखो तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करोगे और ये मूव होता जाएगा, और जैसे ही इसको टॉप की वैल्यू 0 मिलेगी वहाँ पे स्टिक कर जाएगा, फिर वहाँ से ये मूव नहीं होगा। तो इस तरह से स्टिकी काम करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप थोड़ा सा इस पे जब और प्रैक्टिस करोगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।